हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नट बोल्ट की असेंबली बनाना। तो आज हम नट बोल्ट की असेंबली बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। टी हेडेड स्क्वायर नेक बोल्ट हमें गिवन है, जिसकी असेंबली हमें स्लॉटेड लॉक नट के साथ बनानी है। तो मैंने स्लॉटेड लॉक नट पहले बना रखा है, आप अगर उसे देखना चाहें वीडियो को, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके स्लॉटेड लॉक नट बाय इंजीनियरिंग एंड पोएट्री डाल के, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अपने असेंबली बनाना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो सबसे पहले हम अपना ये जो टी हेडेड स्क्वायर नेक बोल्ट है वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सिस लाइन पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, और हम उस पर हम अपना सबसे पहले ये लेंथ ड्रॉ करेंगे, 1.75D ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे डी 20 लिया है, आप अपनी मर्जी से डी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि 1.75D है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी ही होगी, ये चेंज नहीं होगी, बस डी की वैल्यू चेंज होगी आपकी। ठीक है, मैंने डी यहाँ पे 20 लिया हुआ है, तो 20 लेके हम सॉल्व करते हैं। 1.75D कितना हो गया हमारा, डी 20 था तो मल्टीप्लाई किया डी से, तो 35 mm आया। तो 35 mm हमने जो एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रखी है इससे नीचे खींचेंगे, 35 mm का हाफ और 35 mm का हाफ ऊपर खींचेंगे, और 35 mm हमारा टोटल हो जाएगी लेंथ। तो 35 mm का हाफ कितना हो गया हमारा हो गया 35 mm का हाफ 17.5, नीचे खींचेंगे हाफ हो गया है ना 17.5, ऊपर खींचेंगे तो 35 mm हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमारी 35 mm की ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस है 0.75 होती है। ठीक है, तो 0.75 हमारा आएगा, 0.75D, डी हमारा 20 है, तो उसकी वैल्यू रखने पे हमारा 15 mm आएगा ये। ठीक है, तो 15 mm हम यहां से यहां ड्रॉ करते हैं, और ऊपर से भी हम ड्रॉ कर देते हैं 15 mm। तो हमने यहां से लेके यहां तक 15 mm ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहां से लेके यहां तक इसे आप फुल भी ड्रॉ कर सकते हो लाइन, इसमें जो गैप दिया हुआ है इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हम इसे पूरा ड्रॉ करते हैं लाइट पेंसिल से, बाद में डार्क करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम डी ड्रॉ करेंगे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो है, तो डी हमारा कितना था 20, तो मीन्स एक्सिस से हम 10 mm नीचे खींचेंगे और 10 mm ऊपर खींचेंगे, मार्क करेंगे मीन्स, तो हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसे मार्क कर लिया। अब जो हमारा बोल्ट की लेंथ होती है 5D टू 8D होती है, तो हम यहाँ पे 6D लेंगे, तो हम 6D मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना आएगा 20 × 6 कितना आया हमारा 120 आया है ना। तो 120 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया डायरेक्टली इस पॉइंट से जो हमने डी मार्क किया था। ठीक है, और ऊपर से भी हमने इसे यहां से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो हमारी ये बोल्ट की लाइन आई इसको हम मैच कर देंगे। ठीक है, इसको हमने मैच कर दिया है यहाँ पे, यहां से इससे, और इसके बाद हम इसमें फिलेट ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे ड्रॉ है। ठीक है, तो उसको उसके इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हम इसको सर्कल मार्शर या कंपस या डी की हेल्प, किसी की हेल्प लेके हम डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सर्कल मास्टर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आप इस बात से चिंता मत करना कि इसका ज्यादा है यहां से लेके यहां तक की फिलेट, हमारा यहाँ पे कम क्यों है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब हमने अपने बोल्ट में हमें ये स्क्वायर नेक ड्रॉ करनी है। स्क्वायर नेक की हमारी लेंथ कितनी दी हुई है यहां से लेके यहां तक, इसकी दो लेंथ होती है हमारी, 0.75D टू D तक होती है, तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75D ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 0.75D ले लेता हूँ। आप यहाँ 0.75D हमने कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था पहले 0.75D हमारा 15 mm आया था, तो 15 mm मैंने यहाँ से इसे मार्क किया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से मैंने इसको ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डायगनल बना देंगे, इस पॉइंट से मिला के डायगनल खींच देंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसको डायगनल खींच देंगे, तो डायगनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी ली थी, 0.75D ली थी, क्योंकि ये 0.75D टू 1D तक होती है, तो आप इसे 1D भी ले सकते थे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें अपना बोल्ट में जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन है उसको ड्रॉ करेंगे। जो यहाँ पे थ्रेड की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन हम लास्ट जो बोल्ट बनाते आए हैं उसमें हमें बताया थ्रेड की लेंथ कितनी होती है, यहां से लेके यहां तक हमारी यूजुअली होती है 2D टू 3D होती है, तो हम इसमें 3D लेंगे। 3D हमारा कितना हो जाएगा, D हमारा 20 mm है, तो 20 × 3 कितना हो गया हमारा 60,
है ना। तो 60 पे से हम इसके लास्ट पॉइंट से यहाँ से इसे मार्क कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमारा ये जो टी हेडेड स्क्वायर नेक्ट बोल्ट था ये ड्रॉ हो गया। अब इसमें बस थ्रेड ड्रॉ करना है, लेकिन थ्रेड अभी हम इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। उससे पहले हम इसमें अपना स्लॉटेड लॉक नट बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू में। तो स्लॉटेड लॉक नट बनाने से स्टार्टिंग हम इसके वॉर्सल से करते हैं। तो वॉर्सल की लेंथ यहां से लेके यहां तक 2D प्लस 3 mm होती है, और इसकी जो हमारी थिकनेस होती है 0.125D होती है। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करते हैं। 2D प्लस 3 कितना हो गया हमारा, तो डी हमारा कितना है, डी हमारा 20 mm है, तो 2D प्लस 3 हमारा डी इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 43 mm हो गया ना। 43 का हाफ नीचे, 43 का हाफ ऊपर, मतलब 21.5 नीचे 21.5 ऊपर। ठीक है, जो हमारा यहां से लेके यहां तक थ्रेड कटा हुआ है इसमें, इसके बीच में कहीं पे भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोई वो बस हमें, क्योंकि असेंबली बनानी है, इसका कोई डाटा हमें गिवन नहीं होता, क्योंकि असेंबली का मतलब ये है कि ये जो हमारा नट है वो यहां तक टाइट हो सकता है थ्रेड तक। ठीक है, ना इसके बाहर जाएगा ना इससे दूर चला जाएगा, तो डिसेंबल हो जाएगा। तो हमें असेंबल करना है, तो हमें मतलब इसके बीच में ही कहीं ड्रॉ कर देना है। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो 43 mm का हाफ नीचे ड्रॉ करते हैं, मतलब 21.5 नीचे और 21.5 ऊपर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन मैं कर देता हूं डायरेक्ट। तो लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, 43 mm की जो हमारी यहां पे आई थी 2D प्लस 3। अब इसके बाद हमारा 0.125D जो इसकी थिकनेस है वो ड्रॉ करेंगे। 0.125D हमारा कितना आया था, सॉल्व करने में 2.5 आया था, लेकिन हमने इसको अप्रोक्स में 3 ले लिया। ठीक है, 3 से ले लिया, क्योंकि 3 ले लिया हमने अप्रोक्स में अच्छे से डायमेंशन इसको शो करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 2 3 पे हमने मार्क किया और लाइन ड्रॉ की, और इसको दोबारा से 43 mm तक हमने ड्रॉ कर देना है। तो हमने ड्रॉ कर दिया, हमारा वॉर्सल बन गया स्लॉटेड लॉक नट का। अब इसमें हम लॉक नट को बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके इस पोर्शन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लेके यहां तक किस किस डिस्टेंस है 2D, तो 2D हम मार्क करते हैं। 2D हमारा कितना हो गया 40 mm, तो यहां से लेके यहां तक 40 mm मार्क करते हैं। 20 mm एक्सिस से नीचे, 20 mm एक्सिस से ऊपर। ठीक है, तो मैं मार्क करता हूं। तो 20 mm मैंने यहां से यहां तक इसे मार्क किया और यहां से लेके यहां तक इसे मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो इसकी थिकनेस होती है, मींस हाई, जिसे आप हाइट भी बोल सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये होती है 1D तक होती है। ठीक है, तो 1D हमारी इसमें गिवन है। अगर कुछ और 0.8D गिवन होता तो 0.8D ड्रॉ करते, तो हम यहां से इसे 1D ड्रॉ करते हैं और D हमारा 20 है, तो यहां तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया। सेम है, हमने ऊपर भी इसे ड्रॉ कर दिया D तक। ठीक है, अब इसमें हम इसे बॉक्स से पैक कर देते हैं यहां से, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है टोटल 2D है, लेकिन यहां से लेके यहां तक हमारा D है, क्योंकि हमारा डाया ये आप देख पा रहे होंगे ये D था, है ना, तो इसी डाया पे ही बना है हमारा, तो ये D हो गया यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, तो अब इस D पे हम चैम्फर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि इसमें ड्रॉ हो रहा है स्लॉट, बाद में ड्रॉ करेंगे। चैम्फर हमारा कितना होता है 1.4D होता है, तो 1.4D हमारा कितना है 28 mm, तो 28 mm हम यहां पे मार्क करते हैं। सबसे पहले 28 mm मार्क किया हमने। ठीक है, 28 mm हमने मार्क कर लिया यहां से। अब इस पॉइंट से लेके यहां से लेके यहां तक 28 डिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक कंपास खोलते हैं और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं इसमें जो चैम्फर होगा हमारा, और इस डिस्टेंस को यहां से कहेंगे आर्क के लिए रेडियस ऑफ चैम्फर 1.4D। हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे ये छोटा वाला बॉक्स है इसको हाफ डिवाइड करेंगे, और साथ में इस वाले बॉक्स को भी, जो दोनों बॉक्स को हम हाफ हाफ डिवाइड करके एक एक्सिस लाइन खींचते हैं हल्की सी। हाफ डिवाइड कर दिया, अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे हम एक लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से लाइन खींची, इसको ज्योमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिकली कैसे डिवाइड करेंगे, जितनी यहां से लेके यहां तक की लेंथ है लाइन की, इसकी लेंथ से हाफ लेंथ से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कंपास में खोल के एक बार इस पॉइंट पे रख के एक बार इस तरफ ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इसी पॉइंट से हमने इस तरफ ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हम रखेंगे कंपास और इस तरफ से हम आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, और सेम एज हम इस तरफ से आर्क ड्रॉ करेंगे। अब जहां पे ये आर्क आपस में कटी है, इस पॉइंट को हम मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से ऐसे। ठीक है, अब जो ये पॉइंट हमारा कट के एक्सिस पे जहां पे पॉइंट हमारा मिला है, इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो ये इसका छोटे वाले बॉक्स का चैम्फर होगा। तो हमने इस पॉइंट से यहां तक कंपास खोल के आर्क ड्रॉ कर दी, सेम एज दूसरी साइड भी ड्रॉ कर दी, क्योंकि हमें एक तरफ कंस्ट्रक्शन दिखाना होता है दूसरी तरफ नहीं। ठीक है, तो बाकी को डार्क कर देते हैं ऐसे हम। तो हमने बाकी लाइंस को, नीचे वाली लाइंस को डार्क कर दी, लेकिन जो चैम्फर वाली लाइन है इसको हमने डार्क नहीं की। क्यों? क्योंकि अभी इसमें हमें स्लॉट ड्रॉ करना है। तो स्लॉट की यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है हमारी
0.3D, तो D हमारा 20 है, तो 3D D की वैल्यू रखने पे हमारा 6 mm आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 6 mm पहले मार्क करते हैं, तो 6 mm हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया, ठीक है। सेम है हमारा इस इन पॉइंट्स पे भी रहेगा, हमने इन पॉइंट्स पे भी हमने मार्क कर लिया, इसके एक्सिस पे मार्क करना है, ठीक है, मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमारी इसकी थिकनेस कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सबसे पहले सेंटर वाले में होती है हमारी इसकी थिकनेस 0.25D होती है, ठीक है। 0.25D हमारा 5 mm आया, तो 5 mm हम मतलब 2.5 mm हमारा 2.5 mm लेफ्ट साइड, 5 mm हमारा राइट साइड जाएगा, तो 5 mm हमारा ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो मैं कर देता हूँ इसे ड्रॉ और इसे ऊपर मिला देंगे सेम एज इधर भी, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमारा 5 mm है, 5 mm है, तो वो जो हमारा साइड वाले बॉक्स है ना, तो यहाँ से लेके लेंथ तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी रहेगी बस, थिकनेस जो होगी ये 5 mm की हाफ हो जाएगी, मीन्स 2.5 mm हो जाएगी। तो 2.5 mm ना लेके हम इसे 3 mm ले लेंगे और 1.5 mm नीचे, 1.5 mm इस साइड और 1.5 mm इस साइड बांट के लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 0.25D आया, जिसकी वैल्यू आई हमारी 5 mm यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो हमारे छोटे वाले बॉक्स हैं इसमें 5 mm का हाफ हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो हमारा हो जाएगा 2.5 mm, लेकिन हम इसे 2.5 mm बांट नहीं सकते, इसलिए हम अप्रोक्स में 3 mm लेंगे। तो 3 mm का हाफ कितना हो गया, 1.5 mm इस साइड ड्रॉ करेंगे, 1.5 इस तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और लाइन ऊपर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेम हम इस वाले में भी कर देंगे, समझ गए। नहीं समझ में आओगा तो कमेंट में बताना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कमेंट में ठीक से, या फिर आप जो मेरी स्लॉटेड लॉकनट वाली ड्राइंग है वो देख लेना, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग वाले हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट सर्च कर लेना स्लॉटेड लॉकनट बाय इंजीनियरिंग एंड पोएट्री करके, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ 1.5 mm इस साइड, 1.5 mm इस साइड, और लाइन खींच देंगे। तो हमने स्लॉट ड्रॉ कर दिया, हमारे ड्रॉ गया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हमारा इसमें जो स्प्लिट पिन है इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसका अंदर का जो गोलर दिख रहा है आपका, इसका डाया हमारा कितना है, 0.2D है, ठीक है। ये जो इसका डाया था यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने ये ड्रॉ किया है, ये था हमारा 0.25D, जिसका वैल्यू आई थी हमारी 5 mm, और 0.2D हमारे इसके सर्कल, इसके अंदर सर्कल जो ड्रॉ है उसकी वैल्यू है 4 mm, ठीक है। तो 4 mm का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसे हम डायरेक्ट ही ड्रॉ कर देंगे इसे टच हुआ हुआ, क्योंकि इतना छोटा सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देंगे, इतना ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर हम थ्रेड ड्रॉ करेंगे, तो जो थ्रेड है हम इस साइन में नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे कोर डाया इसमें बना देते हैं जो हमारा थ्रेड पोर्शन शो करेगा। कोर डाया हमारा कितना होता है, 0.8D, तो 0.8D की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पे कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 20 हमारा डाया है तो 16 mm आएगी। तो एक्सिस से 8 mm नीचे, एक्सिस से 8 mm ऊपर ड्रॉ करके कोर डाया ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूं, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, और इस पे लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे। सेम है, इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट से मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ हो गया, और इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो हमारा ये थ्रेड दिखा रहा है, बाकी लाइंस को हम डार्क कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया और इसमें एसेंशियल डायमेंशनिंग कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो इसका जैसे फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ किया, ये जो हमारा बॉक्स है, हमारा जो हमारा कटर है या शार्पनर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका फ्रंट व्यू इस साइड से देख रहे हैं। तो अगर हम इसे टॉप से देखेंगे तो हमारा इस साइड का व्यू हमारा इसका टॉप व्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसको पलट के दिखा दें, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से ये ऐसा दिखेगा कुछ, और जो इसका डाया है वो हमारे डी के डाया के इक्वल है। तो मीन्स जो हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे उसका जो डाया होगा वो पूरा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसकी पूरी लेंथ तक डी डाया का हो जाएगा। टॉप व्यू में हमारा जो टी हेडेड बोल्ट का हेड है उसका भी डाया, हमारे जो टी हेडेड बोल्ट का हेड है उसका डाया भी हमारा डी हो जाएगा टॉप व्यू में, ठीक है। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे दिखेगा आप यहाँ पे टॉप व्यू में देख सकते हो, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप व्यू में। अगर फ्रंट व्यू होता तो ये ऐसे होता, और टॉप व्यू है तो हम फ्रंट व्यू हम ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ से, और टॉप व्यू हम यहाँ से देखेंगे तो इसका व्यू हमें कुछ ऐसा नजर आएगा और डी की तरह कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, और इन सब के मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए इसलिए तो हमें डी ड्रॉ करने में इजीली होगी। तो डी भी हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है, 10 mm नीचे 10 mm ऊपर एक्सिस ड्रॉ करके, और इसको फुल ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ से लाइन, लेकिन ये जो हमारा नट है स्लॉटेड, इससे इसको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अलग
डायमेंशन दिखाएगा, उसके बारे में बताता हूँ। पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, ठीक है। ये ड्रॉ कर दी और इसके बाहर बस नट नट की जो डिस्टेंस है इसके वॉर्सल से लेके हमने इतनी छोड़ दी है, ठीक है। प्लस अब हम ऊपर इसे ड्रॉ कर देंगे, ऊपर भी हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम इसमें ये अपना ये पोर्शन ड्रॉ कर देते हैं जो स्क्वायर नेक है, इसको भी हम इसको डार्क कर देते हैं। ये हमारा ड्रॉ गया और इसमें हम अपना जो डायगनल है वो भी शो कर देंगे। उससे पहले हम अपनी ये लाइन को हम इसमें मिला देते हैं और इसमें ये फिलेट ड्रॉ कर देते हैं और फिर इसमें डायगनल भी ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्ट। फिलेट कैसे ड्रॉ करनी है यहाँ पे तो मैंने बता दिया, सर्कल मास्टर का यूज कर लो या कंपास का यूज कर लो या डी का यूज कर लो, टाइम बचेगा आपका डी और सर्कल मास्टर यूज करके, क्योंकि इससे यूज करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन हमें डायमेंशन नहीं होता इसका कुछ भी, ठीक है, फिलेट का अपने असेंबली में, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे, तो हमारा फिलेट भी ड्रॉ हो गया और इसमें डायगनल भी ड्रॉ हो गया। अब जो इसमें हमारा एक डायमेंशन नहीं चेंज होगा, जो हमारा ये इसमें स्लोटेड नट में हमारा जो इसका हमारा वॉशर है इसका डायमेंशन जो 2D+3 था वो भी चेंज होगा, तो हम उसको भी हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं इसी स्लॉट में, ठीक है। 2D+3 हमारा कितना आया था, हमारा आया था 43 mm, तो 43 mm हमारा आया था यहाँ पे देख सकते हैं आप, 43 mm, ठीक है। तो 43 mm का हाफ कितना हो गया, 21.5 नीचे आ जाएगा, 21.5 ऊपर आ जाएगा, तो टोटल मिलके 43 mm हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो एक्सिस लाइन से 21.5 mm नीचे, 21.5 mm ऊपर करते हैं एक्सिस से ड्रॉ, ठीक है, इस वाले प्रोजेक्शन पे जो हमने ड्रॉ किया इसके बीच में, तो मैं कर देता हूँ। तो हमने अपना वॉशर ड्रॉ कर दिया, अब इसमें हम अपना बोल्ट का ये नट का ये पार्ट ड्रॉ करेंगे। ये हमारा अक्रॉस कॉर्नर रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक किसकी डिस्टेंस 2D थी। अगर अक्रॉस आप टॉप व्यू में जब देखेंगे, फ्रंट व्यू में तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फ्लैट ये दिख रहा है सामने से और दो फ्लैट हाफ हाफ दिख रहे हैं, तो इसलिए अक्रॉस कॉर्नर है, ठीक है। अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसे घुमाएंगे तो इसमें दो फ्लैट दिखेंगे, ठीक है, हमें पूरे पूरे, तो दो फ्लैट हम इसमें ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ कितनी होती है हमारी, उसकी लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ पे जो दो फ्लैट ड्रॉ हो गए हैं वैसे, इसकी हो जाती है हमारी 1.5D+3, तो 1.5D+3 33 mm हुआ, तो 33 mm का हाफ नीचे ड्रॉ कर देंगे, 33 mm का हाफ ऊपर, मीन्स 33 mm का हाफ कितना हो गया हमारा 16.5 हो गया, तो 16.5 हम मार्क कर लेते हैं नीचे और ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया और इसको 31, 32, 33 यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है, और इसको यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया, सेम है, हमने इसको यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये लाइन हमने यहां तक इसे मिला दी, और जो हमारी ये एक्सिस था ना इसको भी हम हल्का सा मिला देते हैं क्योंकि इस पे ड्रॉ होगा। अब जो हमारा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, एक्सिस से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, इसको हाफ करेंगे और एक्सिस खींचेंगे, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे, सेम है जैसे हमने इसको हाफ करना है, ठीक है। तो हम इसको हाफ करते हैं, एक्सिस खींच देते हैं दोनों पे, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम चैम्फर ड्रॉ करेंगे। चैम्फर की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.4D, तो 1.4D हमने यहां से लेके यहां तक मार्क किया था ये वाला पॉइंट है ना, तो इस वाले पॉइंट की हम प्रोजेक्शन लेते हैं और डायरेक्ट इस पे मार्क कर लेते हैं, क्यों हम बार बार इसको मार्क करें, ठीक है। हमारा 1.4D हमारा वैसे कितना आया था आपको मैं बता देता हूँ फिर से, डी हमारा 20 है, तो 1.4D हमारा आया था 28 mm, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हमारी डिस्टेंस 28 mm, यहां से लेके यहां तक 28 mm और यहां से लेके यहां तक 28 mm है, ठीक है। तो हम इस पे कंपास रखते हैं और ड्रॉ कर देते हैं दोनों साइड अपना चैम्फर, तो ड्रॉ हो गया हमारा। अब इसको जो हमारी लाइन है इसको आप मिटा भी सकते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जिससे हमने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ किया है इसका, चैम्फर ड्रॉ किया, रेडियस ऑफ चैम्फर ड्रॉ किया है उस लाइन को जो यहां से लेके यहां तक हमने हाफ ये डिवाइड की थी, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हमने हमारा ये टॉप व्यू भी ड्रॉ किया, बस इसमें हम अपना थ्रेड दिखा देंगे, तो थ्रेड की हम जहां से कटा है यहां से हम इसका पोजीशन लेके ड्रॉ कर देंगे लाइन, और जो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक हमारा डी था, तो इसका कोर डाया बना देंगे जिससे हमारा थ्रेड की डेप्थ बन जाएगी। 0.8D का डाया था, 0.8D हमारा कितना आया था, 0.8D आया था हमारा 16 mm आया था, हमने ड्रॉ किया था पहले, तो 16 mm क्योंकि डी हमारा 20 है, तो 0.8D 16 mm आएगा, तो 16 mm का हाफ 8mm नीचे यहाँ और 8mm ऊपर हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, 8mm ने ऊपर मार्क कर लिया और इस पे लाइन ड्रॉ कर देंगे डार्क से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर दिया, सेम है हमने इस पॉइंट को भी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ हो गया हमारा
थ्रेडेड पोर्शन के लिए थ्रेड ड्रॉ हो गया हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रेड की डेप्थ है ये, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हाफ करके जिसपे रेडियस ड्रॉ किया था ना, वो पॉइंट लाइन आप ना मिटाएं जब भी चलेगा, क्योंकि जो हमारा थ्रेड होगा जहाँ पे ये पॉइंट कटा है वो सेम लाइन थी हमारी जो हमने मिटाई थी, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप इस लाइन को मिटाना मत, यूज ही कर लेना, क्योंकि बार बार क्यों ड्रॉ करोगे, टाइम वेस्ट करोगे मिटा के। तो दोस्तों हमारा ये स्लॉट ड्रॉ करने हैं, तो इसमें दो स्लॉट दिखेंगे। तो स्लॉट का सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, स्लॉट कितना लंबा होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो स्लॉट की हमारी यहाँ से यहाँ तक थिकनेस थी वो कितनी थी हमारी, वो थी हमारी लेंथ, तो हमने प्रोजेक्शन ले लिया, थिकनेस कितनी थी उसको 0.25 थी, तो हमारा 5 mm आएगा। तो मीन्स लेंथ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ हो गई प्रोजेक्शन से, तो थिकनेस हमारी 5 mm आई थी। तो 2.5 mm नीचे, 2.5 mm ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। तो 2.5 mm हमने नीचे ड्रॉ की इस एक्सिस से और यहाँ, और इसको लाइन हमने खींच दी, ठीक है। सेम एज हमने ये लाइन खींच दी और यहाँ पे भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अपना जो हमने यहाँ पे वॉर्सल हमारा लगा था, वॉर्सल नहीं, जो हमारा ये स्प्लिट पिन लगी थी, स्प्लिट पिन हमारी लॉक नट में, वो ड्रॉ करेंगे। तो उसका डाया कितना था हमारा, 4 mm का आया था, क्योंकि हमारा उसका डाया 0.2D होता है, तो 0.2D हमारा 4 mm आया था, डी हमारा 20 है, तो ठीक है। तो 4 mm का यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है, 4 mm मार्क करेंगे, और जो इसकी लेंथ होगी वो हमारा इससे 2D प्लस 3 से हल्की ज्यादा होगी। तो हम इसको डायरेक्ट पहले ऐसे लेते हैं, फिर उसके ऊपर फिलेट ड्रॉ कर देंगे। इसका पोजीशन हमने यहाँ ले लिया, प्लस इसका पोजीशन हमने यहाँ से यहाँ ले लिया। अब इसमें हम 4 mm मार्क कर देते हैं, 4 mm यहाँ से इससे टच होता हुआ है ना, इसको मार्क किया और यहाँ से यहाँ तक इसे 4 mm मार्क कर लिया, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इससे होता हुआ हमने यहाँ तक इसे ड्रॉ किया, अंदर का नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर हमें हिडन में दिखाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम दिखाई नहीं, क्योंकि हमारे डायमेंशन बेकार हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया है ना, इसकी लाइन ज्यादा हो गई, इसको हमें यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, और इस पॉइंट तक हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप चाहे फ्री हैंड हल्की इस साइड से भी आप ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है, मैंने जल्दबाजी में किया है, आप ठीक से करना। तो ये हमारा जो टॉप व्यू था वो रेडी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने साइड व्यू पे आते हैं हम अपने साइड व्यू के लिए, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमारा यहाँ पे वॉशल दिखेगा इसका, लॉक नट का। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड व्यू नहीं बना रहे, लेफ्ट साइड व्यू हमारे यहाँ पे बना हुआ है जो राइट में बना हुआ है, क्योंकि हमारे फर्स्ट एंगल में बना है। हम यहाँ राइट से जो देखेंगे वो लेफ्ट में बनेगा, तो लेफ्ट साइड व्यू हम राइट साइड व्यू बना रहे हैं जो लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। इस साइड बना रहे क्योंकि हमारा इसमें जो लॉक नट है वो सही से नहीं दिख रहा है, इस वजह से, ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो सबसे पहले वॉशल ड्रॉ किया, अब इसके अंदर हम अपना हेक्सागोनल नट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम इसका सर्कल खींचेंगे 2D का। तो हेक्सागोनल नट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2D एक डी का सर्कल, डी का रेडियस लिया और 2D का सर्कल ड्रॉ किया लाइट वाला। फिर इस पॉइंट पे हमने रखा और एक आर्क लगाई और इस पॉइंट पे रखा, फिर जिस पर आर्क लगाई इस पे कट लगाया, फिर ऐसे कट लगा के हमने एक हेक्सागोनल मिला बनाया, जिससे कि हमने इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इससे मिलाया सारे पॉइंट्स को, तो हमारे जिसपे हमने आर्क ड्रॉ की थी तो हमारा हेक्सागोनल बन गया। तो हेक्सागोनल बनाने के बाद फिर हमने कंपास खोला अपना, जो हमारा हेक्सागोनल जिस पॉइंट पे बना उससे हमने इतना रेडियस लिया, इससे टच होता हुआ और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हेक्सागोनल के अंदर। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी का सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। फिर उसके फिर जो हमारा छोटा वाला सर्कल है जो हल्का ओपन है, ये हमारा 0.8D का सर्कल है, ये ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें स्लॉट ड्रॉ किया, स्लॉट के हमने पोजिशन लिया, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया स्लॉट डी डाया तक टच होता हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो स्लॉट था हमारा 45 डिग्री पे एंगल एक बार इस तरफ लिया, एक बार इस तरफ लिया, और सेम डायमेंशन का यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 5 mm आई थी, क्योंकि 0.25 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, डी हमारा 20 था, तो 5 mm आई थी। तो हमने 5 mm के यहाँ पे स्लॉट ड्रॉ कर दिए 6, क्योंकि हर एक क्योंकि दो तो ये वाले बन गए थे हमारे जो प्रोजेक्शन से, बाकी 4 हमने बना दिए हमने डायमेंशन से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर हम इस स्लॉट के अंदर अपना जो वॉर्स अपना हमारा पिन है स्प्लिट पिन वो फिक्स करते हैं, ठीक है। तो स्प्लिट पिन का हमारा ये मुंह इस साइड ही रहेगा, तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। इससे हमारा 4 mm का था, तो इससे हल्का अंदर ले लेते हैं,
ऐसे अप्रोक्स में, क्योंकि 4 mm का आया था, क्योंकि 0.2D इसका सर्कल का डाया था हमारा ना, 0.2D तो 4 mm आया था हमारा ये। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं यहां से यहां तक, है ना, डार्क। फेस के अंदर हमारा हिडन आएगा, फेस के बाहर निकलते ही हमारा ये आएगा डार्क, क्योंकि ये दिखेगा, है ना, यहां तक। सेम एज हमने इस साइड भी इसे ड्रॉ कर देना है, यहां तक डार्क। फिर जब हमारा इसके अंदर आएगा, एंटर करेगा, तो यहाँ पे हिडन, फिर इससे बाहर निकलते ही डार्क। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इस पॉइंट को हमने ऐसे रोटेट कर देना है गोल, और इससे इस पॉइंट पे हमने पॉइंट करके ऐसे रोटेट कर देना, तो हमारा ये इसका हेड बन जाएगा। और दूसरे वाले पॉइंट को हमने ऐसे करना है एक तरफ, और ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है, फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर देना, तो हमारा स्प्लिट पिन रेडी हो गया। अब इसके बाद कंफ्यूज मत होना कि इधर हमारा पूरा नट है, हिडन है, और इस तरफ डार्क क्यों है, क्योंकि हम इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, इस तरफ से, और जो हमारा प्रोजेक्ट इसमें बनाया गया है वो हमारा इस तरफ से देख के बनाया गया है। अब इसमें हमारा सब कुछ रेडी हो गया, बस हमारा इसमें ये जो हमारा ये हमारा टी हेडेड बोल्ट का हेड है ना, ये ड्रॉ करना है। तो इसका डायमेंशन हमारा कितना होगा, यहां से देखेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो डी होगा ना, तो यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके हम डी मार्क करते हैं, तो हम 10 mm इस साइड मार्क कर लेते हैं, 10 mm इस साइड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्शन पे ही, इसके प्रोजेक्शन के स्टेट पे ही। ठीक है, तो 10 mm हमने मार्क किया, और लाइन ड्रॉ कर देंगे, कैसे, हिडन में ड्रॉ होगी पूरी लाइन, क्योंकि इसके आगे हमारा इस तरफ से देखने पे ये वॉशर आ जाएगा, है ना, तो ये पूरा हिडन में आएगा, हिडन में आ गया। अब इसकी लेंथ हम ऊपर तक ड्रॉ कर देते हैं, किसके स्टेट पे, इसके स्टेट पे, है ना, इसके जो हमारा प्रोजेक्शन हमने लिया होगा, ऐसे हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब इसके स्टेट पे हमने इसे यहां से इसे मिला दिया, ठीक है, और ये हमारा जो बच गया इसको मिला दिया, तो हमारा इसका साइड व्यू भी बन गया, राइट साइड व्यू बन गया हमारा इसका, क्योंकि हम राइट से देख रहे हैं, तो हमारा ये लेफ्ट में बनता है हमारा फर्स्ट एंगल में। ठीक है, तो हमारी जो ये असेंबली थी ये कंप्लीट हुई। ये हमारी असेंबली किसकी थी, ये हमारी असेंबली थी टी हेडेड स्क्वायर नेक्ट बोल्ट विद स्लोटेड नट। ठीक है, तो हमारी ये असेंबली कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।